दोस्तों, अगर आप चंद मिनट्स के अंदर और वो भी फ्री ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान अजीज़ टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने ये सब कुछ पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऐप फॉर फ्री। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मेक एंड्रॉइड ऐप्स इन 5 मिनट्स विद फ्री ऐप क्रिएटर विदआउट एनी कोडिंग एंड फीस। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर बगैर कोडिंग के बगैर हम फ्री में अपनी ऐप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने क्रिएट ऐप फॉर फ्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखना यह है कि आप किस किस्म की ऐप बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट की तरह ऐप बनाना चाहते हैं या आप कॉल्स, वीडियो कॉल्स और चैटिंग वाली ऐप बनाना चाहते हैं या मैसेंजर वाली ऐप बनाना चाहते हैं या कोई फ़ोटो एडिटर बनाना चाहते हैं या टिकटॉक जैसी ऐप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं या आप म्यूज़िक वाले बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट करें, मैं गेम्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आप जिस किस्म की भी गेम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं ये गेम बनाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपने अपनी ऐप का बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अभी मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। आपने एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड चूज कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी ऐप का लोगो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर हमने अपना लोगो सेलेक्ट कर दिया है, अपनी ऐप का लोगो। और यहाँ पर नीचे आ जाना है जहाँ पर आपने अपना प्ले वाला बटन लगाना है जिससे हम वीडियो को प्ले करते हैं या गेम को प्ले करते हैं। यहाँ पर आपने बैक वाला बटन लगा देना है। आपने कोई भी कलर चूज कर लेना है और यहाँ पर आपने अब नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने साउंड बटन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने रेट वाला बटन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने नीचे आना है। यहाँ पर कैंसल वाला बटन सेलेक्ट कर देना है। जो भी कलर आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप टाइम बार वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग वाला बटन सेलेक्ट कर दें और यहाँ नीचे लेवल पॉपअप, यहाँ पर आप कोई बटन सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर भी सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर नीचे आ जाएं और यहाँ पर भी लेवल आपका कोई भी चूज़ कर लें। और यहाँ पर आप ऐड लेवल्स, अब हमारे लेवल्स आ रहे हैं। ऊपर जो था वो हमने होम वाला सेलेक्ट किया सारा फंक्शन और यहाँ पर अब लेवल आ रहे हैं। हम फर्स्ट लेवल का नाम लेवल 1 कर देते हैं, लेवल 1। और यहाँ पर हम लेवल का लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लेवल का लोगो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। कोई भी सेलेक्ट कर देना है, आपने अपने अपने लेवल का लोगो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने वैसे ही अभी सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी चूज़ कर लेता हूँ और इसे क्रॉप करके लगा देता हूँ। और यहाँ पर आपने कलर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर भी जो आपका दिल कहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब दोबारा से यहाँ पर आपने इमेज सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पर नीचे आकर हमने
दूसरा लेवल अब शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आप लेवल टू लिख दें, लेवल टू, और यहाँ पर आप दूसरे लेवल का लोगो रख दें, और यहाँ पर आपने लोगो का जो बैकग्राउंड है वो चूज़ कर लें, और यहाँ नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है लेवल टू की, और यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर दोबारा से आपने इमेज सेलेक्ट करनी है बैकग्राउंड वाली, और यहाँ पर आपने तीसरे लेवल सेलेक्ट कर लेना है लेवल थ्री। इसी तरह आपने करते जाना है और लेवल आगे बढ़ाते जाना है। मैं अभी इसे स्किप करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। आप इसी तरह 10 भी जितने भी बनाना चाहें ऐड मोर पर क्लिक करते जाएं और अपने लेवल बढ़ाते जाएं। अभी हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज अब आ चुका है। यहाँ पर आपने अपनी ऐप का नाम रखना है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ गार्डन केप। इसी तरह आपने अपनी गेम का नाम रख देना है, और यहाँ पर अपनी ऐप की आप सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट और डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। और उसके बाद आपने नाम रखने के बाद, ऐप का नाम रखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी में सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, गेम की यहाँ पर हम कर देते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर मैं इसकी इमेज दे देता हूँ, और यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं क्रॉप, और यहाँ पर करना है आपने नेक्स्ट, और यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ईमेल देना लाजमी है। यहाँ पर हम ईमेल दे देते हैं, यहाँ पर अभी कंटिन्यू विद फेसबुक कर देते हैं। अब जो हमारी गेम है अब वो तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गेम तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपने डाउनलोड APK पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड ऐप डायरेक्टली, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे आ जाना है आपने। यहाँ पर आप लोडिंग हो रही है, अब यहाँ पर आपने डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करके इस अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी गेम गार्डन केप। हम इसे ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा गेम को खेल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गेम होगी शुरू, स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ से गेम को, और यहाँ पर अब लेवल शो हो रहे हैं। हमने 3 लेवल बनाए थे, अब हम फास्ट लेवल खेल लेते हैं, और यहाँ पर हम अभी इजी गेम खेलते हैं, और यहाँ पर इसी तरह। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किस तरह हमने चंद मिनट्स के अंदर अपनी गेम तैयार कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह की देखते रहिए वीडियो।